आइए फ्रेंड्स, फ्रेंड्स एक चीज़ में बिल्कुल कबाड़ से जुगाड़ बताने जा रही हूँ, जो लोग फेंक देते हैं और गार्डनिंग करने के शौकीन हैं लेकिन क्या किया जाए बेचारों को नॉलेज नहीं है, या किसी लेडी हो, कोई भाई बहन हो या कोई भाई हो, तो अगर करना चाहते हैं और छोटी सी जगह है, वो मजबूर हो जाते हैं कि कैसे मैं छोटी जगह में गार्डनिंग करूं, लेकिन शौक़ तो बहुत है। लेकिन फ्रेंड्स वही चीज़ को मैं आज वीडियो में लेकर के आई हूं, तो वीडियो में अंत तक रहिएगा और मैं तरह तरह चीज़ों को, मिसयूज चीज़ें जो कबाड़ में जुगाड़ हैं, उससे मैं बताऊँगी बनाना। और फ्रेंड्स जो आप लोग चीज़ें फेंक देते हैं, ये वीडियो देखने के बाद फिर कभी फेंकेंगे नहीं, मैं गारंटी लेती हूँ इस चीज़ को। और फिर ये फ्रेंड्स ज़रूर कहेंगे कि काश पहले क्यों नहीं देखा मैंने वीडियो, या पहले नॉलेज नहीं मिली। फ्रेंड्स जो लोग मेरे घर आते हैं, सच बताऊं कि वो लोग भी कहते हैं कि वाह क्या बात है। मैं अपने आप को ज़्यादा वो नहीं करती हूँ, लेकिन फ्रेंड्स सच बताती हूँ कि लोग यहाँ आकर के सेल्फी लेकर के जाते हैं, वीडियो बना करके लेके जाते हैं, जो मैंने जगह जगह मैंने इतना मतलब सेल्फी पॉइंट टाइप का बना करके रखा, और बिल्कुल कबाड़ से जुगाड़। फ्रेंड्स ये फ्रेंड्स जो अंदर देख रहे हैं झाड़ू का बना हुआ मेरा, ये जो स्टिक के बने हुए जो झाड़ू भी फेंक देते ना फ्रेंड्स, जो वॉल में लगी दिख रही ना ग्रीन ग्रीन साइड से, ये मैंने वीडियो में बनाया था और वीडियो डाल भी रखा है। तो आप चाहिए तो मैं आई बटन में दे भी दूंगी लास्ट में, तो जा कर के देख सकते हैं कि कैसे बना सकते हैं। और ये फ्रेंड्स जो देख रहे हैं, ये मनी प्लांट्स लगे हुए पॉट में, ये 5 पॉट का मनी प्लांट्स है। देखिए हिलता डुलता है ये, बड़े आराम से झूला के तरीके झूलता रहता है, और इसमें मैंने मनी प्लांट लगा दिया। ये भी फ्रेंड्स वीडियो में पड़ा है, तो ये भी जाकर के देख सकते हैं, ये भी आई बटन में दे दूंगी, तो उसको भी जाकर के देखिए कि कैसे मैंने इसको बना करके तैयार किया। जो पीवीसी पाइप होता है फ्रेंड्स, जो हमारी वायरिंग के पाइप है, उसी इसका ये बना हुआ है। और ये फ्रेंड्स तरह तरह की छोटी छोटी जुगाड़ों से मैंने देखी, जैसे कि मनी प्लांट्स का मैंने कैसे ये डोर की तरीके, बिल्कुल जैसे दरवाज़ा होता है मैं ना, उसी तरीके से मैंने कैसे इसको भी बनाया है मनी प्लांट्स का। तो ये भी आप लोगों ने बहुत प्यार दिया। और जैसे कि फ्रेंड्स देखिए बत्तख को है, प्लास्टिक की बत्तख को मैंने ये इसमें स्नेक प्लांट्स लगा दिया, सेंसेबेरिया। तो कुछ समय बाद ही फ्रेंड्स जब खूब भर जाएगा ना, तो ये देखने में लगेगा कि जैसे ऐसा लग रहा कि जैसे सच में उड़ी जा रही है, ग्रीन ग्रीन जब पत्ती हो जाएंगे। एक्चुअली मैंने इसको फ्रेंड्स पेंट नहीं किया। अब ये देखिए जैसे कि मैंने आपको देख रहे हैं कि मैंने ये पॉट को, सेंसेबेरिया को हिलता जुलता झूमर मैंने बना करके तैयार कर दिया, और इसी के अंदर मैंने फ्रेंड्स बल्ब भी लगाया है। जब मैं रात में इसको जलाती हूँ तो बहुत प्यारा लगता है, इतना सुंदर लगता है फ्रेंड्स कि देखते ही बनता है। और जैसे साइड में देखिए, जैसे बल्ब से मैंने बना के तैयार किए जो LED बल्ब होते हैं, उनको भी मैंने पेंट किया है। और फ्रेंड्स ये देखिएगा जो आपको सामने जो बॉटल दिख रही है ना, ये जो सामने बॉटल दिख रही फ्रेंड्स, आज मैंने रात में क्या किया, रात में मेरे को दिमाग में एकदम से आया, और ये स्पाइडर प्लांट्स की जो कटिंग रखी हुई थी, तो मैंने सोचा कि इनको चलिए लगा देते हैं। तो मैंने बॉटल हमारी पहले ही पेंट वगैरह की हुई रखी थी बहुत पहले से, तो मैंने इनको क्या किया कि पेंट करने के बाद में ऐसे टांग रखा था, मेरे पास इतना टाइम नहीं था, और स्पाइडर प्लांट्स को मैं तैयार भी कर रही थी। तो ये फ्रेंड्स मैंने आज रात में मैंने लगाया, तब मैंने वीडियो नहीं शूट किया। और ये देखिए फ्रेंड्स इतने जब प्यारे लगते हैं, जब ये झूलते हैं ना, देखिए कैसे ये डांस कर रहे हैं, तो मैंने इनको बना करके तैयार किया। और आप फ्रेंड्स सच में ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा कि मेरा वीडियो कैसा लगा। और ये देखिए जैसे साइड में नारियल का देख रहे हैं ना पीस, ये नारियल के पीस से जो मैंने बना करके तैयार किया, इसका भी इसमें भी मैंने ये जो है मार्बल पोथोज लगा दिया है नारियल उसमें फ्रेंड्स, तो इसको भी बना करके आप तैयार कर लेंगे। मैंने एक्चुअली में उसमें पेंट नहीं किया। और ये देखिए फ्रेंड्स बार बार इसको झूला झूला रही, ये देखिए फ्रेंड्स ये नारियल का जो है मैं लगा दिया, ये उसका पोथोज है, मार्बल पोथोज है ये, तो बहुत सुंदर लगता है। ये मैंने अभी ही लगाया है। और ये फ्रेंड्स जो मैंने ये टांगने के लिए लगाया, जो स्टैंड हम लोग खाना बनाते हैं ना फ्रेंड्स, खाना बनाने के समय जैसे कड़ी कोई चीज़ छौंकते हैं दाल वगैरह, तो उसको स्टैंड बनाते बनाते फिर बीच में क्या होता है कि जल गल जाता है, तो इसको भी ना फेंकें। फिकी हुई चीज़ों से अपने गार्डन को इतना सुंदर और अट्रैक्टिव बना सकते हैं कि बिल्कुल देखते ही बनेगा फ्रेंड्स। कुछ चीज़ों को मैंने पेंट किया, कुछ चीज़
उन कुछ चीज़ों को मैंने पेंट नहीं किया है, क्योंकि ऐसे भी दिखाने में थोड़ा अच्छा लगता है कि हाँ देखने में दिल लगेगा कि हाँ नेचुरल चीज़ क्या है, कि आप क्या कर सकती हैं और या आप क्या कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा वीडियो कैसा लगा। और फ्रेंड्स अगर आप पहली बार मेरे चैनल में आए हों और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और कमेंट्स करके फ्रेंड्स ज़रूर भी बताएं कि मेरा वीडियो कैसा लगा। और हाँ फ्रेंड्स सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा और बेल आइकन में घंटी को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं कोई सा वीडियो आप लोगों तक अपलोड करूं तो आप लोगों तक फ्रेंड्स पहुंच सके, है ना फ्रेंड्स। तो आप लोगों से बस एक ही चीज़ का रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि अगर आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे तो एक मनोबल बढ़ता है, और आप लोग जब अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं फ्रेंड्स तो सच बताऊं कि बहुत अच्छा लगता है जब आप पॉजिटिव कमेंट्स करते हैं। क्योंकि और वीडियो मैं फुल देखती हूँ, किसी भी वीडियो होते मैं फुल देखती हूँ फ्रेंड्स, तो एक बार ऐसा मिस यू चीज़ों से अपने गार्डन को ज़रूर लगाएं। और ये जो तार देखा फ्रेंड्स मैंने, तारों को भी मैंने बिल्कुल जीरो बजट में मैंने बनाया। तो फ्रेंड्स आप अपना ख्याल रखें, थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर है।